नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जुहे सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर यूपी के संभल से है, जहां जाहर वीर के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का टाटा मैजिक पलट गया। इस हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना नखासा थाना इलाके के गैलुआ गांव की है, जहां गुमथल से बागड़ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी टाटा मैजिक पलट गई। इस दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से दो की गंभीर हालत है, जिसे फायर सेंटर रेफर किया गया। कहाँ एक्सीडेंट हुआ आपका? गैलुआ। कहाँ से आ रहे थे आप? हम आ रहे हैं महमदपुर से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? बागड़ जा रहे थे। बागड़ किस लिए जा रहे थे? दर्शन करने जा रहा है ग्यारह पीर के। अच्छा, ग्यारह पीर के। अच्छा, कितने लोगों के चोट आई है? हाँ जी, कितने लोगों के चोट आई है? अब चोट सबके लग रहे हैं यहाँ पे। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? 15 आदमी। छोटा हाथी था। अच्छा, अब वो कहाँ है छोटा हाथी? छोटा हाथी वहीं पे है जी। और ड्राइवर उसका? ड्राइवर वहीं पे है। पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस तो पहुँच गई थी। लगभग कितने लोगों के चोट आई है? आजादी के अमृत महोत्सव पर बुलंदशहर के मलका पार्क गेट पर 13 अगस्त से लगातार फहराए जा रहे 75 घंटे तिरंगा अभियान का समापन हो गया। इस अवसर पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से निकुंज सेवा समिति के 15 सदस्य टीम को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी वितरण करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। इस अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि निकुंज सेवा समिति पहले से भी रिकॉर्ड बनाने का कार्य करती रही है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इन्होंने और उनकी टीम ने जो 75 घंटे तक लगातार ध्वज फहराया, वास्तव में यह एक अनूठी पहल है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर पालिका की ओर से भी पूरा सहयोग दिया गया। हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो कल ही हमारे 75 वर्ष पूरे हुए हैं आज़ादी के, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान पर मनाया जा रहा है। और निकुंज सेवा समिति ने बुलंदशहर में, जो कि ऐतिहासिक कालेआम जगह है, वहाँ न केवल स्वयं बच्चों की टीम के द्वारा लगातार 75 घंटे तिरंगों को फहराने का एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। तिरंगा हमारी मान है, हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है। और ये तिरंगा जितना लहराएगा, उतना ही हमारा, हमारे समाज का और हम सबका विकास होगा और देश का मान अभिमान बढ़ेगा। मैं अपनी टीम की तरफ से चेयरमैन नगर पालिका बुलंदशहर और निकुंज सेवा समिति। अगली खबर, बुलंदशहर के जनपद में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कचहरी परिसर में विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र नाथ तिवारी और सहायक पुलिस अधीक्षक नगर शशांक सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ने पुलिस फोर्स के साथ कचहरी परिसर में यह अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान कचहरी परिसर में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जांच भी की गई। देखिए, आज हापुड़ में जो घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर मेरे और मेरी टीम के द्वारा एक चेकिंग अभियान चला गया था। इसमें हमने प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग कराई है, गाड़ियों की भी चेकिंग करी गई थी, वाहन करे थे, सारे संदिग्ध व्यक्तियों से जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई, कहाँ आए हो, किस लिए आए हो। ये अभियान हमारा रेगुलर चलता रहता है, लेकिन बढ़ती सेंसिटिविटी के कारण हमने इसकी और लेवल बढ़ा दिया है और अच्छे से किया जा रहा है। और कुछ क्रिमिनल हमारे यहाँ भी जो सेंसिटिव आए हुए थे, उनको भी उचित सुरक्षा प्रदान करी गई है, कि ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने पुलिस लाइन में स्थित मेस का निरीक्षण किया, साथ ही खाने की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर मेस इंचार्ज को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में एक सिपाही का खाने की गुणवत्ता खराब होने के चलते वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद मैनपुरी पुलिस अधीक्षक सतर्क नजर आए। वहीं उनकी ओर से पुलिस लाइन स्थित मेस का निरीक्षण किया गया।
अगली खबर इटावा से है। इटावा में जिलाधिकारी अवनीश राय ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पैदल मार्च किया। जिलाधिकारी ने अपने आवास से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल पहुंचे, साथ ही उन्होंने अधिकारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन आवास से कार्यालय तक पैदल आने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि पैदल चलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ पेट्रोल की बचत भी होगी। जिलाधिकारी के साथ एडीएम जयप्रकाश, जिला वन अधिकारी अतुलकांत शुक्ला, एसडीएम राजेश कुमार वर्मा समेत विकास भवन के कई अन्य अधिकारी भी पैदल अपने कार्यालय तक पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। वो सर सावा एयरबेस से हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद सीएम मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय भी पहुंचे। वहां उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। मैनपुरी के भोगांव इलाके के रुई गांव में एक शख्स को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। सारा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल मामला जमीनी रंजिश का है, जिसमें दबंग अनुराग ने अहिवरण नाम के शख्स को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला। वहीं एक शख्स बाल बाल बचा। घटना 14 जुलाई की बताई जा रही है। 16 जुलाई को पुलिस ने इस मामले में धारा 304 के तहत FIR भी दर्ज की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर मृतक का पुत्र अनुपम SP से कार्रवाई करने की गुहार लगा रहा है। बस्ती जिले के दिकतौली गांव में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडा बरसे। इस घटना से दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि गांव में नाली का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर प्रधान पक्ष और दूसरे पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते गांव जंग के मैदान में बदल गया। मामले को लेकर SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभी इससे पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। प्रधान पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना मुंडेरवा के ग्राम दितौली में 16 अगस्त की प्रातःकाल 8 बजे एक विवाद में के क्रम में दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई। उसमें से एक पक्ष प्रधान का परिवार है और दूसरा पक्ष वहाँ पर जो नाली बन रही थी वहाँ पर उनकी तरफ विरोध किया जा रहा था। ये प्रकरण पूर्व में भी थाने पर एक बार आया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ था। कल जब उसमें नाली का निर्माण हो रहा था, तब अचानक से मारपीट शुरू हो गई। इसमें प्रधान पक्ष को ज़्यादा लड़ाई ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए उनकी तरफ से 307 का भी पंजीकृत किया गया है और उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी पार्टी की तरफ से भी अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड सरकार अब जल्द ही राज्य में सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और निवेश के लिए बड़ी तैयारी में है। मौजूदा समय में राज्य में संचालित सौर ऊर्जा के निजी बड़े यूनिट से सीधे UPCL बिजली बेचने के लिए व्यवस्था नहीं जुटा पा रहा है। साथ ही उद्योग धंधे से जुड़े कारखाना संचालक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनके लिए भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसको लेकर सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द ही कैबिनेट में एक निजी एजेंसी के माध्यम से एक प्रस्ताव कर लाया जाएगा। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसे रोजगार के रूप में और बिजली की किल्लत की अधिक आपूर्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोलर की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी इंटरनली उरेडा के द्वारा प्रिपेयर की गई है और उरेडा के द्वारा ही समय समय पर संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस बार पॉलिसी में थोड़ा फ्रेश थिंकिंग लाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW, इनको एंगेज किया हुआ है। ये सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और इन्होंने 3-4 स्टेट की पॉलिसी बनाया है, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी जैसे हमारे पास आ जाएंगे तो ड्राफ्ट पॉलिसी को हम लोग पब्लिश करेंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन भी इन्वाइट करेंगे, एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप भी होगा, उसके बाद हम इसको विधिवत माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। तो इस पॉलिसी में जो आप कह रहे हैं कि कई सारे लोगों को सोलर के फील्ड में नहीं आने के पीछे ये भी कारण होगा कि चूंकि UPCL एक सोलर। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।